भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मुरादाबाद जिला कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि बीते माह दिसंबर 2021 को हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर एक आयोजन हुआ। धर्म के नाम पर उस आयोजन में जिस तरह की बातें हुई वे केवल नफरत फैलाने और खुलेआम हिंसा भड़काने की बातें हुई थी। मुस्लिम अल्पसंख्यक का नरसंहार करने, हिंसा करने के लिए आतंकवादी बनने तक का आह्वान किया गया, जो सीधे सीधे देश को तोड़ने का काम किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता रोहिताश कुमार राजपूत ने राष्ट्रपति से मांग की है कि धर्म संसद में जिन लोगों ने जिस तरीके की नफरत फैलाने व देश को तोड़ने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालयों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की तरफ से ये जो हरिद्वार में धार्मिक संसद लगी थी, उसे धर्म के नाम पर इस देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। और वहाँ तमाम अलगाव वाली लोगों ने वहाँ पर ऐसे भाषण दिए जिससे के दूसरे समुदाय के ऊपर हमले बोले। तो हमारी ये मांग है कि देश के अंदर ऐसे जहाँ भी धार्मिक ये कार्यक्रम हो, उन पर अगर लोग इस तरह की वहाँ भाषणबाजी करें, दूसरे धर्म पर हमले करें, तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। और जिन्होंने वहाँ पर ये उन्माद फैलाने वाले भाषण हरिद्वार में दिए हैं, तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको जेल भेजा जाए। और इस पर अलीगढ़ में भी ये होने के लिए जा रहा है। सरकार को उस मुद्दे ध्यान रखते हुए ऐसे अगर भड़काऊ भाषण जो लोग वहाँ देंगे या इस तरह की जो हरकतें करेंगे, उनके खिलाफ तुरंत FIR हो, नहीं तो धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी लगाई जाए पूर्णतः, क्योंकि चुनाव सर पर है और ये लोग देश में फिजा खराब करना चाह रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब में जहर घोल रहे हैं। हमारा भाईचारा देश के अंदर कायम रहना चाहिए, गंगा जमनी तहजीब कायम रहना चाहिए। इसको लेकर राष्ट्रपति जी को हम एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और ऐसे आयोजनों पर पाबंदी लगाई जाए।